हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी देखो यानू का क्या कर रही है। ये देखो यानू क्या कर रही है। मैं सु करूं तू बेटा क्या लटका हूं तू तारे। वो अभी उठी है और उठते ही बोल रही है मुझे लटकना है, मुझे लटकना है। तो गाइस अभी हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। वैसे हाँ मैं गया था बाहर तो मैंने अभी आया तो मैंने लेट खाया तो इन सब ने तो पहले हाँ ये तो जमी ली तू ठीक है। तो हाँ तो ना अरे कौन यानू बाथरूम में चली गई। कैसे बाथरूम में चली गई हो। बस आवाज नहीं या ना। तो गाइस अभी हम बैठे थे मतलब तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आजकल की जो बच्चे हैं राइट वो मोस्टली मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। हाँ ये देखो इसको फोन मिलेगा तो उसे कोई कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। देखो बस ऐसे अगर फोन चाहिए किसी को तो हम आज सबसे पूछेंगे कि बच्चे को फोन यूज करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, उस पर आप क्या सोच रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वीतल से। चलो आप बताओ आपकी क्या राय है इसमें। मेरा तो मानना है कि मोबाइल में जो आता है वो ठीक है, मेरा टीचर मेरा मोबाइल वाली जो भी चीजें हैं वो टीवी में करके दिखा सकते हैं। मोबाइल देने की जरूरत नहीं है ताकि उसके आगे बिना बिगड़े वो अपने आप कुछ और स्टार्ट भी ना करे तो मोबाइल नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया है कोरोना की वजह से तो खुद को लेना भी पड़ता है और जमाने के साथ रहना भी पड़ेगा तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीक में एक बार ज्यादा मत देना, मेरा तो यही कहना है। लेकिन फिर ये भी तो होता है कि तुम बच्चों को मोबाइल देते हो जैसे एक आधा घंटा मोबाइल दे दिया फिर उससे वापस लेना है तो क्या करोगे, क्योंकि अगर वो वापस देगा तो फिर वो रोएंगे। वो अगर टीवी भी चालू किया है तो वो टीवी में भी वही होगा। अच्छा अब कृति आपका क्या राय है इसमें, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। देना चाहिए उसको दिन में एक बार 10 से 10 या 15 मिनट ही देना चाहिए। हर रोज नहीं, वीक में हमारे हिसाब से हाँ। तो मतलब वही होता है कि अगर पेरेंट्स बिजी है राइट, पेरेंट्स को कुछ काम करना है तो वो पकड़ा देते हैं मोबाइल, ये लो बच्चो। वो पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं मोबाइल बच्चे मोबाइल में अपना काम कर रहे होते हैं। उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं। अपने आप चेंज करेंगे तो नहीं चलेगा। वो तो चेंज ही कर देते हैं ना, आप तो बिजी होते हो अपने काम में। नहीं ऐसे ही उसके ऊपर नहीं छोड़ देना, चेक करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में नहीं था थोड़ी देर के लिए। 3 साल नहीं हुआ लेकिन कल उसने अपने आप हमने रेस्ट कर दिया तो
वही तो होता है, वो ये जो है ना शैतान होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं सब कुछ। नहीं मतलब अब आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? सबसे पहले तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो? नहीं ये जो चल रहा है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे बारे में नहीं सोच, देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ वो खुद ने खेलते हैं ना पूरा दिन, इसलिए बोल रहा हूँ आई को लेंगे पूरे दिन में ही देना चाहिए, दिन में एक आध घंटा देना चाहिए। हाँ तो और कुछ? और कुछ नहीं, देना चाहिए दिन में आधा घंटा। क्या क्या दिखाना चाहिए बच्चे को? वो रैंक वो सब वो देखना चाहे वो नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे इसमें ही सीखते हैं। नहीं 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 लेकिन इसमें मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। इसमें ये ना पूरा मामला जो है वो जनरेशन गैप का है, ठीक है? तो हमारे जो मम्मी पापा है वो अभी हमें हमको देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आप तो पूरा दिन क्यों मोबाइल में घुसे रहते हो, वो तो हमको ही बोलते हैं राइट, उतना ही। और हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू क्या मोबाइल में घुसे रहते हैं। वैसे अपने हिसाब से तो हम कम यूज़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं अपने हिसाब से हम कम यूज़ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो ओल्डर एज है राइट उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और वो बात भी सही है, जो हम जो यूज़ कर रहे हैं या तो जो विरल यूज़, फॉर एग्जाम्पल विरल का एग्जाम्पल ले लो, विरल जो फ़ोन का यूज़ कर रहा है राइट वो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से या मम्मी पापा के हिसाब से अगर हम सोचे तो, लेकिन उसके हिसाब से वो बहुत कम है। कि उसने तो वो बोला था कि मैं ऑफिस से आता हूँ दिन में रात शाम को एक घंटा मैं गेम खेलता हूँ दो घंटा, तो वो तो कम ही है, तो उसके हिसाब से तो वो कम हुआ। तो हम जो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं वो भी ऐसा ही है, ठीक है? कि वो अगर दिन में एक घंटा यूज़ करे, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो हम एक घंटा पकड़ के चलते हैं, अगर वो दिन में एक घंटा यूज़ करे फ़ोन का तो हम लोग हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों उनके लिए तो बहुत कम है, उनको फ़ोन चाहिए ही होता है। क्योंकि उसका एक साइड इम्पेक्ट ये भी है कि बच्चे जब फ़ोन में लगे रहते हैं ना तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है राइट। अब तो छोटी है तो अभी तो ये फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन जब उसका स्कूल चालू होगा, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ले मान लो कि 8 साल 10 साल की हो जाएगी, और उस उम्र में अगर वो फ़ोन में लगी रहती है राइट तो उसकी फिर फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो ना अपने हेल्थ पे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। जब आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो और आप मोबाइल या टीवी उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा देख रहे हो, तो वो हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। जब तक आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है राइट, अब जैसे मेरा एग्जांपल है, मतलब मोबाइल हो या टीवी हो या लैपटॉप हो, है तो स्क्रीन ही। जैसे मेरा काम है, मैं मान लो सुबह 10 बजे से ऑफिस चालू करता हूँ, रात को 10-11 बजे तक तो मेरा ऑफिस चलता है, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। फिर अपने हिसाब से फिर कुछ 1-2 घंटा और कुछ करते हैं, तो 24 घंटे में से 13-14 घंटे तो हम सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ना सबसे ज़्यादा है, वो मैटर है। लेकिन हम बच्चों के लिए तो ये कर सकते, उसको
सीखता है कि अभी से ही वो काम देखेंगे तो बड़े होके देखेंगे ही नहीं, बड़े अभी से अगर भंडार नहीं देंगे अभी से तो फिर वो बड़े होके तो चार भंडार मांगेंगे। हाँ वही तो है, तो अभी से काम करेंगे तो आगे जाके उसको समझा पाएंगे कि अभी आपको नहीं, अभी से कम नहीं, अभी से तो देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस अभी क्या कोइंसिडेंस हो गया हमारे साथ, अभी हम मोबाइल की बात कर रहे थे तो विरल जस्ट गया नीचे तो उसको सोसाइटी बाहर से एक फ़ोन मिला सही नरे जैसा तो नहीं, मतलब कुछ फ़ोन मिला है उसको देखते हैं, मतलब सैमसंग का है इस तरीके का, पता नहीं किसका होगा, अब देखते हैं इसमें किसी का फ़ोन आता है तो डेफिनेटली हम उसको वापस कर देंगे। हाँ अगर फोन चालू ही है उसको चार्जिंग में भी रखना क्योंकि मेरा चार्जर तो लगेगा इसमें, हाँ तो फोन आएगा ही, देखते हैं जब फोन आता है तब उसे वापस कर देंगे। और हमने मंगवाया है ये ड्रंकन मंकी की कोल्ड कॉफ़ी, तो मैंने तो ट्राई की, मैंने तो पी हुई है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, मैं ऑफिस पे मंगवाई थी मैंने, तो अभी ये लोग से मेरी बात हो रही थी तो वो बोला कि हमें तो पिलाओ कैसी होती है वो वाली इसकी ड्रंकन मंकी की, तो चलो आज हम ड्रंकन मंकी की कॉफ़ी आपको पिलाते हैं। तो गाइस हम पीते हैं कॉफ़ी तो आज की वीडियो में बस, हाँ लेकिन रुको एक मिनट, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।